भारतीय सेना की ताकत में लगेगा चार चांद। ये नाक दस्ता नहीं तबाह कर देता है। भारत के नाक से थर थर कांपेंगे देश के दुश्मन। भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए आ गया है भारत का नाक। जी, भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाक का सफलतापूर्वक परीक्षण करके भारत की सेना को और ताकतवर बनाने के पक्ष में एक और सफल कदम बढ़ा दिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित मिसाइल का परीक्षण 7 से 18 जुलाई के बीच लगातार किया गया। इस सफल परीक्षण के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी DRDO को बधाई दी। आपको बता दें कि जल्द ही इस थर्ड जनरेशन गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल नाक का उत्पादन इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। अब तक इसका ट्रायल चल रहा था। साल 2018 में इस मिसाइल का विंटर यूजर ट्रायल यानी कि सर्दियों में प्रयोग किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना 8000 नाक मिसाइल खरीद सकती है, जिसकी शुरुआती दौर में 500 मिसाइलों के ऑर्डर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। नाक का निर्माण भारत में मिसाइल बनाने वाली अकेली सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने अपने डमी टारगेट पर अचूक निशाना साधा। अब माना जा रहा है कि इसे भारतीय सेना में जल्द शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2017 और 2018 में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। दोनों टेस्ट राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज में पूरे किए गए थे। DRDO के माने तो इस मिसाइल में कई खूबियां हैं। इमेज के जरिए ये मिसाइल अपना अचूक निशाना साधती है और दुश्मन के टैंक का पीछा करते हुए उसे तबाह कर देती है। नाग मिसाइल वजन में इतना हल्का है कि इसे इधर उधर आसानी से ले जाकर उपयोग में लाया जा सकता है। पहाड़ी पर या फिर किसी दूसरी जगह पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के जरिए इसे ले जाना काफी आसान है। इसका कुल वजन महज 42 किलो है। तो ऐसे में जाहिर है सबको बेसब्री से इंतजार है उस नाक का, जो दुश्मनों के फन को कुचल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।